गाइज़, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन एलईडी आइकन को सेट कर सकते हो, जैसे कि एवेंजर्स का एंड और भी काफी सारे हैं। एंड उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था गाइज, उसमें अभी काफी अच्छे व्यूज भी आए थे। बट उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से कि एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, हम लोग एवेंजर्स का लोगो लगा रहे हैं लेकिन वहाँ पर बस ग्रीन कलर का सर्कल ही शो होता है एंड एवेंजर्स का लोगो नहीं आता है। तो उसी का सॉल्यूशन वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। अगर आप लोग को भी किसी का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर रहा है तो ये वाला वीडियो पूरा देखो, समझ में आ जाएगा। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज, यहाँ पर मैं वीडियो के बीच में ही कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वो वाली बात को अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो तो आप लोग का ये ट्रिक नहीं वर्क करने वाला है। तो वीडियो को इसीलिए पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर से वही वाला प्रॉब्लम आएगा कि एवेंजर साइकिल की वजह आप लोग का ग्रीन सर्कल शो होने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइज, आप लोगों को नोटिफाइबिलिटी को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, अभी ऐसा इंटरफेस आ गया। तो सारे परमिशंस को तो पहले आप लोग को अलाउ कर देना होगा। आप लोग को ध्यान रखना गाइज कि ये सारे परमिशंस अलाउ रहे ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। एंड अभी मैंने ये कर लिया है, उसके बाद अभी बैक चलते हैं। एंड भी देखो, दोनों परमिशन ओवरले परमिशन और ये दोनों मैंने कर दिया। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एक बार डिसेबल पर आप लोग क्लिक करके देख रहे ना कि यहाँ पर आप लोग का इनेबल तो नहीं है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आप लोग का ऑफ होना चाहिए। देखो मेरा नॉट ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि सही है मेरा। उसके बाद यहाँ पर एरो का आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं, टिक लगा देते हैं। एंड जिस भी एप्लीकेशन का मुझे नोटिफिकेशन लाइट चाहिए तो उसको मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर जब भी मेरा कोई मैसेज आए तो मेरा नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक करे, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर आप लोग को दिखेगा भी कि जिसका आप लोगों ने सेट किया वो यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर इनेबल एलईडी का जो ऑप्शन है इसको आप लोगों को डिसेबल कर देना, फिर से इनेबल कर देना, चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर और भी काफी सारे सेटिंग्स है, तो जो भी आप लोग को रखना है आप लोग रख सकते हो। मैं खैर यहाँ पर अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर एक मेन जो ऑप्शन है वो है फोर्स इनेबल नोटिफाइबिलिटी का, इसको इनेबल कर देना। एंड देन फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो सबको अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर डिसेबल इनेबल कर सकते हो। ये सो इंडिविजुअल एलईडीज है, इसको भी मैं यहाँ पर से इनेबल करना चाह रहा हूँ। बट यहाँ पर देख सकते हो पैसा मांग रहा है, बट अगर आप लोग फ्री में लेना है तो लर्न मोर में क्लिक कर दो। एंड देन यहाँ पर देखो नीचे वॉच एट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये फ्री हो जाएगा। खैर अभी मैं इसको नहीं दिखाने वाला हूँ, फ्री हो जाता है वो, आप लोग कर लेना, मैंने पहले भी बताया था। उसका नीचे देखो यहाँ पर एलईडी सेप है तो इस पर क्लिक करना है। देखो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता होगा, तो यहाँ पर आप लोग जो सिलेक्ट करते होगे एवेंजर्स लोगो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा आता है, तो उसका लर्न मोड पे क्लिक कर देना है। एंड देन नीचे वॉच एट है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड एक ऐड आ जाएगा यहाँ पर। ऐड कंप्लीट होने के बाद आप लोग को यहाँ पर से कट कर देना है। कट करने के बाद ये वाला आप जो बैक करोगे, बैक करने के बाद फिर से एवेंजर्स लोगो पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन फिर से बैक। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को इसका साइज को चेंज कर देना है, जैसे कि यहाँ पर भी देखो 30 है तो मैं इसको कर दूंगा 80, मैंने 80 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड रिटर्न पे क्लिक कर दिया। उसका टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी तो देखो यहाँ पर शो कर रहा है कि एवेंजर्स का लोगो आ रहा है, बट काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये सर्कल आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने तो सब कुछ कर दिया। अब मैं यहाँ पर से मैसेज सेंड करके देखूंगा कि हो रहा है या नहीं। ये रहा मेरा दूसरा फोन, तो ये कर दिया मैंने यहाँ पर से सेंड। एंड सेंड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो गाइस, यही वाला प्रॉब्लम आप लोग बता रहे थे कि इस पे जो है ग्रीन कलर का जो है एलईडी सर्कल वाला ब्लिंक करता है, एवेंजर्स का लोगो नहीं आ रहा है। तो देखा गाइस, मैंने जब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया है उसमें सारे सेटिंग्स सही से किया, फिर भी एवेंजर्स का लोगो नहीं आया। एंड यही हो रहा है सारे लोगों के साथ। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च किया, तो फिर बाद में जाके मुझे पता चला कि गाइस प्ले स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन उन लोगों ने अपडेट किया है उसी पर ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वो एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए गाइस मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे एप्लीकेशन दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग आके मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दूंगा। सेम ही एप्लीकेशन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो वाला एप्लीकेशन जब आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग का वर्क करेगा, बट एक बार आप लोग फिर से देख लो सेटिंग्स की आप लोग को क्या क्या करने हैं मैं जो एप्लीकेशन दूंगा उस पे। देख सकते हो गाइस, ये वाला वो वाला एपीके फाइल मैंने इंस्टॉल किया जो कि मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पर एलईडी सेप पे अगर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर एवेंजर्स का आइकन सेलेक्ट करता हूँ तो ये रहा एवेंजर्स लोगो, तो ये तुरंत सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर एडवर्ट कुछ भी नहीं देखने को बोला गया। एंड टेस्ट पे भी क्लिक करते हैं तो अभी देखो यहाँ पर आइकन वगैरह आ रहा, तो मैं सिंपली से बैक करूंगा। बैक करने के बाद बस सारे सेटिंग्स कर ही दिया हूँ, तो अब मैं दूसरे फोन से भी यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ मैसेज सेंड करके। तो मैंने अभी कुछ भी टाइप करके यहाँ पर से सेंड कर दिया। एंड अभी देखते हैं यहाँ पर आता है नहीं, तो देख सकते हो गाइज ये प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। यहाँ पर ग्रीन कलर का सर्कल नहीं आ रहा है, जो भी लोगो मैंने सेलेक्ट किया है वही लोगो यहाँ पर ब्लिंक होके आ रहा है, लेकिन जो गाइज लोगो आया वो एक ही बार आके यहाँ पर से हट चुका है। तो ब्लिंक इंटरवल को अगर आप लोग चेंज कर सकते हो कर दोगे, एंड एलईडी एनिमेशन टाइम को भी
चेंज कर दोगे तो वो ज्यादा देर तक आप लोग का ब्लिंक करता रहेगा। अब इतना करने के बाद भी गाइस किन्हीं के लोग का है कि नहीं आएगा, ठीक है, किन्हीं लोग का होता है कुछ कुछ फोन्स में कि बैकग्राउंड में ऐप्स रन नहीं करते हैं जिसकी वजह से जो है ऐप हट जाता है एंड फिर ये वाला ट्रिक वर्क नहीं करता है। तो उन लोगों के लिए गाइस यहां पर देखो 3 डॉट पे क्लिक करना है, नोट वर्किंग पे जाना है। नोट वर्किंग पे जाने के बाद यहां पर देखो बोला रीस्टार्ट योर फोन टॉगल नोटिफिकेशन एक्सेस परमिशन, तो रीइनेबल यहां पर क्लिक कर सकते हो। फिर डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बोल रहा है तो इसको भी कर सकते हो एंड लॉक द ऐप इन द रैम ये भी कर सकते हो। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो गो टू द साइट पे क्लिक कर देना है एंड यहां पर आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि देखो मैंने जस्ट वंस पे क्लिक कर दिया एंड यहां पर इसका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा एंड अगर जो भी कंपनी का आप लोग का फोन है जैसे मेरा वीवो का है एंड अगर मेरा वर्क नहीं कर रहा है तो मैं करूंगा वीवो पे क्लिक एंड उसको दिया यहां पर कुछ सॉल्यूशन देगा कि देखिए आप लोग जो है यहां पर देख सकते हो ऑटो स्टार्ट वगैरह का बता रहा है कि कैसे आप लोग को सेटिंग्स वगैरह में जाके कहां कहां पे क्या क्या सेटिंग्स करने हैं। तो जो भी कंपनी का फोन है यहां से भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हां, मैं जो एप्लीकेशन दे रहा हूं वही वाला एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो फिर आप लोग का सर्कल ऊपर नहीं आएगा, जो भी आइकन आप लोग सेलेक्ट करोगे वही वाला आइकन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो गाइस ये था सॉल्यूशन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहां पर आप लोग को एप्लीकेशन दे दूंगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।